लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई. मैं घर से निकली एंड सीधा मैं पहुंच गई सिलीगुड़ी. सो आई एम हेयर इन एम बाज़ार एंड आई वॉज डूइंग माई हेयर वॉश. कीर्ति इज़ देयर, शी इज़ डूइंग हर हेयर स्पा एंड उसका भाई भी है, वो रहा वहाँ पे, तो वो भी हेयर कट करवाया. दिस इज़ जस्ट अ डेली व्लॉग गाइस. वी आर गोइंग टू शॉप, वी आर गोइंग टू ईट एंड या स्टफ लाइक दैट. सो स्टिक अराउंड. हम लोग प्लैनेट मॉल में आए थे खाने, थोड़ा खाना पीना हुआ. नाउ वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग. थोड़ा शॉपिंग करना है ये लोग को. ये लोग का शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होता है, तो ये लोग को शॉपिंग करना है. हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर, वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करेंगे. तो हम लोग रैपिडो बुक किए हैं एंड लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर आवर रैपिडो टैक्सी एंड देन वी गो टू सिटी सेंटर. तो गाइस हम लोग को रैपिडो नहीं मिला यहाँ पे, बहुत हाई डिमांड दिखा रहा है हम लोग. तो हम लोग जा रहे हैं टोटो में एंड हम लोग का भाई वो आ रहा है रैपिडो में, उसका कन्फर्म हो गया. सो गाइस वी हैव रीच्ड सिटी सेंटर. सो हर्षित ऑलरेडी पहुँच चुका है, उसका रैपिडो बहुत रैपिड था तो वो पहुँच चुका है. उसको मैंने एक मिलने का जगह बताया, तो बता मिलने का जगह. तो इसने डिस्क्रिप्शन दिया कि हर्षित सुनना, तू उधर ना, उधर के सीधा चले जाना, वहाँ पे तू, वहाँ पे तुझे स्टैचू दिखेंगे. What kind of statues? चार नंगे लोग. चार नंगे. कि मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन से नंगे लोगों के बारे में बात कर रही है. These are the statues that she was talking about. तो हर्षित एकदम obedient बच्चा के जैसा वो चार नंगे लोगों के पास खड़ा है. वो रहा वो इच्छे छोटू सा. क्या ओबीडियंस था, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट था. पता है उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? बोला कि रैपिडो कैंसिल कर दो, मैं तुम्हें उस सुबह में लेके आ जाता हूँ. किसने रैपिडो कैंसिल करा दिया? 70 रुपए मेरे को दे देना, हम तुमको छोड़ देते हैं. ये हर जगह मतलब समझी नहीं. ऐसा ही होता है. मैंने इसके पहले भी कोई तो था, ओला या फिर उबर था, बुक करने का कोशिश किया. वो लोग बोलते हैं कि आप ऐप से कैंसिल करा दो, आप मुझे पैसा दे दो ताकि वो कंपनी में पैसा ना जाए. तो ऐसा है, मतलब तू दिया वो वही किया. हाँ. तू दिया क्यों ऐसे? उनका भला हो जाएगा. भला हो जाएगा, इसमें कोई भला नहीं है. दिस इज मतलब ये एक वो हो गया. अनएथिकल. वही तो. दिस इज अनएथिकल. कमिंग टू आवर पॉइंट, तू एकदम पॉइंट पे खड़ा था. तू एकदम ध्यान से देख के खड़ा था ना. सो ये रहा KFC जहाँ पे हम लोग आने वाले हैं बाद में. ये दोनों तो वेज है लेकिन मुझे अपने घर के लिए लेके जाना है. सो गाइज वी आर इन लाइफ स्टाइल. तो यहाँ का कलेक्शन हम लोग को हमेशा से पसंद आया है. लेट्स सी. स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस. ये मैडम स्पॉन्टेनियस का बात कर रही है, जो एक कपड़ा चूज नहीं कर पाई लाइफ स्टाइल से. चूज क्या, ट्राई भी नहीं की. नाउ वी आर गोइंग पैंटालूंस. कितना गंदा चूज किया था हम लोग. तू गए थे, हम भी चूज करके दे रहे. क्या चूज किया था? चॉइस इसका शर्ट. वो बता, देखा था कि तेरा चॉइस. ओहो हो सर, मेरे दोनों का चॉइस अच्छा नहीं है. बकवास, एकदम बकवास. लाइफ स्टाइल में इतना अच्छा कलेक्शन है, एक कपड़ा पसंद नहीं आया मैडम को. पसंद क्या आया? एक नॉर्मल सा टी शर्ट. तो गाइज अगर आप लोग को जानना है कीर्ति का चॉइस, वो बोल रही थी बहुत अच्छा है, प्लीज शो मी. पूरे पैंटलूंस में उसे ये मिला है और हम लोग को, मुझे और हर्षित को लगा ये पापा के लिए शर्ट लेके आई है, ये उसका है. नहीं ले रहा. एंड हर्षित का भी पसंद ऐसा है, बुढ़ा टी शर्ट उठा के बोलता है ये लो क्या. वी आर एक्चुअली सो टायर्ड ऑलरेडी. अभी तक शॉपिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ. हम लोग लाइफ स्टाइल गए, वहाँ से डायरेक्ट पैंटालून आए एंड पैंटालून में ट्राई करी रहे. ओ गॉड गाइस, वेटिंग. फाइनली शॉपिंग हो गया. शॉपिंग कुछ नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ हर्षित का हुआ है एंड अभी तक कीर्ति का बाकी है. 2 घंटा से सिर्फ उसी का शॉपिंग हुआ है.
कहाँ जा रहे हैं कोई बताएगा? अभी हम तो पेट पूजा। नहीं नहीं तेरा शॉपिंग। अरे शॉपिंग शॉपिंग करने के बाद भूख लग गया था थोड़ा सा, तो हम लोग गए थे चौधरीज में पाव भाजी खाने के लिए। तो मैंने एक अलग से फूड ब्लॉग भी बनाया है आज ही के दिन। वी हैड आवर फेवरेट फूड्स इन द फेवरेट प्लेसेस, तो वो मैंने बनाया है। सो यू गाइस चेक इट आउट, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं फूड ब्लॉग। तो गाइस मैंने ले लिया है KFC भैया के लिए, तो जब भी मैं सिलीगुड़ी आती हूँ उसको KFC चाहिए ही चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग किटी के पास। वी आर सो टायर्ड, यू कैन लुक इन टू आवर आईज। ओह माय गॉड, दोबारा पता नहीं मैं शॉपिंग के लिए आऊँगी कि नहीं किटी के पास, किटी के घर का शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट जगह का नाम है सिटी सेंटर का फेमस जगह कपल स्पॉट। जब भी आप देखेंगे कोई ना कोई कपल आपको दिख ही जाएगा बैठे हुए, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक अकेली बेचारी लड़की भी है, वहाँ पे कपल है जो, ओह माय गॉड। और वहाँ पे और भी लैंड्स है जहाँ पे बहुत सारे कपल्स बैठे हुए हैं। सो गाइज इट्स टाइम टू गो, मेरा टाइम हो जा रहा है एंड मेरा टाइमिंग है घर का, तो आई हैव टू लीव। एंड दीज टू पीपल विल बी हेयर फॉर मोर 4 hours। सो टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, हैव मोमोज, स्वीट लाइम सोडा, स्वीट लाइम सोडा आर फेवरेट्स। नेक्स्ट टाइम Part 3 में आएगा, कब आएगा पता नहीं। For the vlog, if you like this vlog, give it a thumbs up and also do subscribe to my channel. Bye.